हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पार्ट थ्री ऑफ द चैप्टर डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। अभी तक पिछले वीडियोस में हमने डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा, चाहे वो चिले में ऑगस्टो पिनोशी की गवर्नमेंट है, या पोलैंड में जेरुजेल्स की गवर्नमेंट है, या फिर चिले में मिशेल बेसलेट गवर्नमेंट है, सल्वाडोर अयंदे है, पोलैंड में लेक वालेसा गवर्नमेंट है, या फिर नेपाल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या फिर एब्सोल्यूट मोनार्कियल गवर्नमेंट है, या पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट है, या फिर नवाज शरीफ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन दिस चैप्टर, जिसमें हमें इजीली समझ में आ गया कि कौन सी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और उसकी क्या फीचर्स हैं और क्या होता है डेमोक्रेसी में, और कौन सी फीचर्स नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की हैं और क्या होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितनी गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा है वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में है। फॉर एग्जांपल, लेक वालेसा की गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर कंट्री में है, पोलैंड में। इसी तरह से सल्वाडोर अयंदे की गवर्नमेंट कहाँ थी? चिले में। तो ये जो गवर्नमेंट्स है एक पर्टिकुलर कंट्री में है। तो क्या इसी तरह की गवर्नमेंट जिसको पूरी दुनिया में पावर्स है और पूरी दुनिया के बारे में डिसीजन लेने की अथॉरिटी उसके पास है, क्या ऐसी कोई गवर्नमेंट होती है? So we'll discuss about democracy at the global level. Is the democracy there at the international level or not? क्या कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सरकार है, इंटरनेशनल सरकार है जो that is elected by the people of the world and that takes decision about the people of the world? तो इस टॉपिक में यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी कोई सरकार नहीं है जो दुनिया के लोग चुनते हो और जो सरकार दुनिया के लोगों के लिए काम करती है। नो सच गवर्नमेंट इज देयर इन द वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो फिर क्या होता है इंटरनेशनल लेवल पे? कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को अटैक कर सकती है, उसको अपने कब्जे में ले सकती है, कुछ भी कर सकती है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता है। Why? Because of the existence of some international organizations. तो हम पढ़ेंगे international organization में, हालांकि global level पे ऐसी कोई democratic सरकार नहीं होती है, लेकिन international organizations तो होते हैं। International organizations. What are the international organization? अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं? The organizations which are formed by different countries, different independent nations, right? इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तभी कहेंगे जब उसमें दो या इससे ज़्यादा कंट्रीज जो है उसमें मेंबरशिप उनकी होती है, उनके द्वारा बनाई जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आज दुनिया में, दैट इज द UN, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, दैट इज द यूनाइटेड नेशंस। इसी तरह के और भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एस्टेब्लिश क्यों हुए, कैसे हुए और इनके क्या फंक्शंस हैं? सबसे पहले आप IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं। जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर में इनको बनाया गया था। एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। IMF क्या करता है? इट लेंड्स मनी टू द नीडी कंट्रीज। जिस कंट्री को जरूरत होती है, जिस गवर्नमेंट को जरूरत होती है, उस गवर्नमेंट को ये पैसे देता है। IMF मनी प्रोवाइड करता है। और वर्ल्ड बैंक का काम होता है लोन प्रोवाइड करना, फॉर डिफरेंट पर्पसेस प्रोवाइडिंग लोन। दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक, क्लियर? इसमें दोनों में ही 189 मेंबर्स हैं। 189 members are there in IMF as well as in World Bank. अब बात करते हैं UN, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा organization आज के time पे कौन सा है? The United Nations. सबसे पहले United Nations word का use जो है Franklin D. Roosevelt ने किया था। He was the US President Franklin D. Roosevelt, उसने January 1942 में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये 26 देशों ने मिलकर अलाइज जो थी उसने एक्सिस पावर के अगेंस्ट फाइट करने का डिसीजन लिया 1942 में, और तब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने
इस वर्ड का यूज किया था यूनाइटेड नेशन का सबसे पहले दुनिया में, और फिर इसके बाद में इसके चार्टर पे साइन हुए थे, चार्टर ऑफ द यूएन, ऑफ द यूएन, इट वॉज साइंड ऑन 26 जून 1945 इन सान फ्रांसिस्को। कहां पे साइन हुए थे? सान फ्रांसिस्को। ये कहां पे है? सान फ्रांसिस्को, इट इज इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, यूएसए में है, और यहां पे 51 देशों ने इसकी स्थापना की 1945 में, इस पे साइन हुए जून 1945 में। हालांकि जिस दिन साइन हुए थे 26 जून को, उस दिन 50 मेंबर्स ने साइन किए थे, पोलैंड ने बाद में साइन किए थे। लेकिन इसके अगर फाउंडर नेशंस पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी फाउंडर नेशंस आर देयर ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशन, तो आप बताओगे 51 कंट्रीज, और इनमें से इंडिया एक था, ठीक है। इसके बाद में जो चार्टर ऑफ द यूएन था, इसको लागू किया गया 24 अक्टूबर 1945, और इसी दिन यूनाइटेड नेशन की एस्टेब्लिशमेंट मानी जाती है। सो द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945, एंड देयर वर 51 फाउंडर नेशंस वर देयर इन द यूएन। अब चार्टर ऑफ द यूएन की बात करते हैं। चार्टर में कुल मिला के मैं आपको बता देता हूं, द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, चार्टर ऑफ द यूएन, चार्टर में कुल मिला के 111 आर्टिकल्स हैं, और जहां तक हम चैप्टर्स की बात करें, चैप्टर्स तो 19 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 19 चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले चैप्टर में यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। इसी तरह से चैप्टर 18 को अगर हम याद रखेंगे तो उसमें अमेंडमेंट है कि किस तरह से हम बदलाव कर सकते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चार्टर का एक तरह का यूनाइटेड नेशन का संविधान है, आप ये मान सकते हो। चार्टर है कि जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं और उनके अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन काम करेगा, राइट? तो इसलिए जो चार्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 368 किसके बारे में, अमेंडमेंट प्रोसेस इज देयर, तो कैसे अमेंडमेंट हम करेंगे, उसी तरह से चैप्टर 18 में जो है वो क्या है, अमेंडमेंट के बारे में। तो इसलिए कुल मिला के इसमें 111 आर्टिकल्स हैं। और चार्टर के अकॉर्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो आपको याद रखना है 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। देयर आर 6 लैंग्वेजेस इन द यूनाइटेड नेशंस। कौन कौन सी लैंग्वेजेस है मैं आपको बता देता हूं। अरेबिक, इसके बाद इंग्लिश, अरेबिक, इंग्लिश, चाइनीज, स्पेनिश, इसके बाद फ्रेंच एंड रशियन। ये 6 लैंग्वेजेस है, आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन की 6 लैंग्वेजेस हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशन के फ्लैग के बारे में बात करें, तो आप जैसे ये फोटो में देख रहे हैं, दिस इज द फ्लैग और द लोगो ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसमें वर्ल्ड का मैप है, और जिसके दोनों तरफ से आपको ओलिव ब्रांचेस दिख रही हैं, लीव्स विद द लीव्स, तो जैतून की जो पत्तियां हैं, ये पीस का सिंबल है, पीस का सिंबल, ठीक है। तो इस तरह से वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ, व्हाई इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन अक्टूबर 1945। दुनिया में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें 6 मिलियन पीपल मारे गए, दूसरे वर्ल्ड वॉर में 20 मिलियन पीपल मारे गए। इसका मतलब यह था कि अगर कहीं तीसरा वर्ल्ड वॉर हो गया तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो वर्ल्ड वॉर्स को रोकने के लिए और पूरी दुनिया में पीस सेटलमेंट के लिए, कि किसी तरह से शांति की स्थापना हो जाए, तो सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, इसलिए यूनाइटेड नेशन को बनाया गया। और यूनाइटेड नेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आर्टिकल 1 में इसके मेन ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं चार्टर में, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू सेटलमेंट और मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ ऑल द मेंबर नेशंस इन द यूएन। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन के चार्टर के बारे में हमने बात कर ली, और कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और आज यूनाइटेड नेशन में जो है 193 मेंबर्स हैं। हाउ मेनी मेंबर्स?
1993. अब हम बात करेंगे व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, सबसे पहला ऑर्गन है इसमें जनरल असेंबली. जनरल असेंबली, दिस इज द फर्स्ट ऑर्गन. सेकेंड वन इज सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो नोन एज यूएनएससी. यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. थर्ड वन इज इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. फोर्थ वन इज ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप काउंसिल. फिफ्थ इज द इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. एंड सिक्स्थ इज सेक्रेटरिएट. दीज आर द सिक्स ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. तो आपको पता चल गया होगा कि यूनाइटेड नेशन में कितने ऑर्गन्स हैं, छह ऑर्गन हैं. अब ये जो छह ऑर्गन्स हैं, इन्हीं से ही पूरा यूनाइटेड नेशन जो है वो काम करता है. जनरल असेंबली जिसके अंदर 193 मेंबर्स हैं, इसका साल में एक बार इसका सेशन होता है, दैट इज इन सेप्टेम्बर मंथ. अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पिछले महीने नरेंद्र मोदी जी ने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को एड्रेस किया था, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो फिजिकली इसका जो कॉन्फ्रेंस है वो नहीं हुआ, तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंस से. तो सितंबर मंथ में होता है जनरल असेंबली का, इसमें मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं. स्पेशली जो नॉर्मल डिसीजंस हैं वो तो सिंपल मेजोरिटी से लिए जाते हैं, लेकिन जो स्पेशल डिसीजंस होते हैं जैसे बजट का डिसीजन है, किसी नए मेंबर को मेंबरशिप देनी है, इस तरह के जो डिसीजन होते हैं उनके लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है. राइट, 2/3 मेजोरिटी. तो इस तरह से जनरल असेंबली जो है, दिस इज लाइक पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन. जैसे हमारे पार्लियामेंट होती है लोकसभा राज्यसभा, इस तरह से होते हैं, उसी तरह से जनरल असेंबली क्या है, यूनाइटेड नेशन की एक पार्लियामेंट होती है. इसके बाद आते हैं, ये हो गया पहला ऑर्गन, दिस इज द फर्स्ट ऑर्गन. सेकेंड वन इज सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. इसमें 15 मेंबर्स हैं. हाउ मेनी मेंबर्स, देर आर 15 मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल. और ये जो 15 मेंबर्स होते हैं, इनमें से 5 मेंबर जो है वो परमानेंट है, परमानेंट मेंबर्स. और इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास होती है वीटो पावर. अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल का मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्योरिटी, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है सिक्योरिटी, तो वर्ल्ड में सिक्योरिटी को मेंटेन करना. और कोई भी कंट्री अगर किसी कंट्री के लिए थ्रेटनिंग या इस तरह का कोई भी दिखता है कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री के साथ गलत बिहेवियर कर रही है या फिर उस पे इलीगली अटैक कर रही है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में उस कंट्री के अगेंस्ट डिसीजन लिया जाता है. तो कोई भी अगर इसमें डिसीजन पास होता है तो उसके लिए 15 में से 9 वोट्स जो है वो जरूरी होती हैं, 9 वोट्स. और इन 9 वोट्स में 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स की वोट जरूरी है. ये वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर का मतलब होता है मना करने का राइट, मतलब वो किसी भी बिल को पास होने से रोक सकते हैं. ये जो 9 वोट्स हैं, इसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स की वोट जरूरी है. 5 में से अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो बिल पास नहीं होगा. इसका मतलब है ये 5 मेंबर्स जो है परमानेंट मेंबर्स, ये किसी भी बिल को पास होने से कोई भी एक मेंबर रोक सकता है. तो ये 5 मेंबर कौन कौन से आपको याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूं. यूएसए, दीज आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. यूके, ब्रिटेन. इसके बाद रसिया, रसिया, फ्रांस, France and China. These are the 5 members who are permanent members in the Security Council. और जो बाकी जो 10 member बच गए, वो जो members हैं, वो 2 साल के लिए, 2 years, for 2 years tenure, elected by the General Assembly. General Assembly उनको 2 साल के लिए elect करती है, हर 2 साल में नए 10 member चुने जाते हैं. तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा Security Council. और this is the most इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ये सबसे ज्यादा ताकतवर जो है ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, ये भी आपको याद रखना है. इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इसमें 54 मेंबर्स हैं और ये स्पेशली
जो भी मेंबर नेशन है आउट ऑफ 193 इनकी इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, और कहीं भी इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए जो भी डिसीजन लेना होता है वो इसी का काम होता है, राइट। और इसमें साथ साथ में इसका जो मेन फंक्शन होता है टू असेट टू द जनरल असेंबली, क्योंकि जनरल असेंबली को इन्हीं मामलों के बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है और उनके बारे में डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। इसके बाद आते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल में। ट्रस्टीशिप काउंसिल का मतलब होता है स्पेशल टेरिटरीज आर ट्रस्टेड बाई सम स्पेसिफिक टेरिटरीज, तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है। हालांकि 1994 में इसको सस्पेंडेड कर दिया गया है और अभी इसमें कोई फंक्शनिंग नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, हम 6 ऑर्गन्स में इसको काउंट करेंगे। इसके बाद आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में किसी भी कंट्री के बीच में झगड़ा होता है, जैसे इंडिया में अगर हम मान के चले तो सिटीजन्स के बीच में झगड़ा होता है, स्टेट्स के बीच में झगड़ा होता है, तो फाइनल अथॉरिटी कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिस्प्यूट्स को सोल्व किया जाता है। इन द सेम वे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज देयर टू सोल्व ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स अमंग द नेशंस मेंबर नेशंस। तो दुनिया में जहां भी जिस भी कंट्री के बीच में झगड़ा होता है, जैसे केदार जाधव के बारे में अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पिछले साल जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट था, उसकी सुनवाई हुई थी, हियरिंग हुई थी, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसी तरह से पूरी दुनिया में किन्हीं भी कंट्री के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो उसकी सुनवाई करता है। कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका जो हेडक्वार्टर वो कहां पे है? द हेग कहां पे है? नीदरलैंड्स में। पूरे ऑर्गन, सभी ऑर्गन्स में सिर्फ यही एक ऑर्गन ऐसा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, अदरवाइज पांचों के पांचों जो ऑर्गन्स है बाकी उनका यूएसए में ही हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, लेकिन सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पे है? द हेग में है, जो कि नीदरलैंड्स में है, ठीक है। सो द हेग इज सिचुएटेड इन नीदरलैंड्स एंड इट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन द हेग मींस नीदरलैंड। तो ये अकेला ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर यूएसए से बाहर है। इसके बाद आते हैं सेक्रेटरी। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेज होते हैं? 15 जजेज आर देयर और जो कि 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। 15 जज होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और जो कि 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको यह भी याद रखना है, सेक्रेटरीट जो है उसका मतलब होता है दिस इज लाइक एक्सिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जैसे आपके स्कूल में जो मेन फंक्शनिंग होती है वो कहां से होती है? ऑफिस से होती है, ऑफिस मीन्स कार्यालय। तो जो ऑफिस होता है दैट इज द एक्सिस ऑफ द स्कूल, और ऑफिस का हेड कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। तो इसी तरह से सेक्रेटरीट क्या हो गया? ये एक तरह से आपके स्कूल का ऑफिस है, आपका स्कूल यूनाइटेड नेशन है और ऑफिस हो गया सेक्रेटरीट। तो इसी तरह से सेक्रेटरीट के अंदर जो हेड होता है वो कौन होता है? जनरल सेक्रेटरी। कौन होता है हेड? जनरल सेक्रेटरी, और जिसको सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, लाइक द प्रिंसिपल, लाइक योर प्रिंसिपल इन योर स्कूल। इसी तरह से सेक्रेटरी जनरल कौन होता है? ही इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, क्लियर। अभी एट दिस टाइम एंटोनियो गुटेरस इज द सेक्रेटरी जनरल, और वो 9th सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के। पहले थे ट्रिग्वेली जो नॉर्वे के थे, और एंटोनियो गुटेरेस जो है वो पोर्टुगल के हैं, पोर्टुगल, राइट। पोर्टुगल एक यूरोप में कंट्री, ईस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में सिचुएटेड है पोर्टुगल। तो एंटोनियो गुटेरेस कौन सी कंट्री है? पोर्टुगल के वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे और आजकल वो सेक्रेटरी जनरल है। तो इस तरह से सेक्रेटरीट का जो हेड होता है वो कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल होता है। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी होता है जो कि सेक्रेटरी जनरल की एब्सेंस में काम कर सकता है, अदरवाइज जो पूरा फंक्शनिंग होती है वो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरीट से चलती है। इसमें तकरीबन 10,000 के आसपास में ऑफिसर्स हैं जो काम कर रहे हैं, इस तरह से पूरे यूनाइटेड नेशन को रन किया जाता है। सो दिस इज द फंक्शनिंग एंड कंपोजिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, और उम्मीद है कि आपको इतना समझ में जरूर आया होगा। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है आर दीज डिसीजंस डेमोक्रेटिक। अभी हमने किसके बारे में डिस्कस किया है? एक तो हमने किया है द यूएन, यूनाइटेड नेशंस, एक हमने किया है वर्ल्ड बैंक,
and one is IMF, International Monetary Funds. तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. दीज आर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग लाइक इंटरनेशनल गवर्नमेंट, जिसमें कई सारे कंट्रीज हैं और कई सारे मेंबर्स हैं और ये डिफरेंट पर्पजेस के लिए काम करते हैं. अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस जो डिसीजन लेता है, जैसे कोई कंट्री, क्योंकि इसका मेन काम क्या होता है, द मेन फंक्शन एंड द मेन एम ऑफ द यूएन इज टू मेंटेन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड द सेफ्टी एंड इंटरनेशनल पीस. तो उसको मेंटेन करने के लिए जो इसको डिसीजन लेने की पावर है, क्या वो डिसीजन डेमोक्रेटिक होते हैं? अगर आप सोच के देखेंगे कि यस डेमोक्रेटिक होते हैं, लेकिन फिर हमें एक यहाँ पे चीज दिखाई देती है जिसको हमें डिस्कस करना है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो मेन फंक्शन है वो किसका होता है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ये सबसे पावरफुल ऑर्गन है और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है. तो लेकिन अगर इसमें हम देखेंगे कि डिसीजंस जो है वो फ्री एंड फेयर लिए जाते हैं या बिल्कुल बिना किसी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन के डिसीजन लिए जाते हैं, तो ऐसा अगर हम कहेंगे तो शायद ये गलत होगा. क्यों? क्योंकि यूएनएससी में ओनली 15 मेंबर है, टोटल मेंबर 193 हैं, लेकिन इसमें तो 15 ही मेंबर्स हैं. 15 में से भी ओनली 5 मेंबर्स हैं जिनके पास पावर दिखाई दे रही है, जिनके पास वीटो पावर है और जो किसी बिल को रोक भी सकते हैं, किसी बिल को पास भी करवा सकते हैं. तो अगर मान लो हम बात कर रहे हैं कि जैसे इंडिया कई साल से कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का उसको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, लेकिन कोई भी एक मेंबर उसमें वीटो पावर लगा देता है, जैसे चाइना, अक्सर चाइना इसमें वीटो पावर लगा देता है, तो एक कंट्री के पास इतनी पावर होगी कि वो किसी कंट्री को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर परमानेंट मेंबर बनने से रोक सकता है. तो क्या ये फेयर है? क्या सिर्फ पूरी दुनिया में 5 ही कंट्रीज हैं जिनके पास वास्तव में वीटो पावर होनी चाहिए? क्या दूसरी कंट्रीज के पास ऐसा कोई राइट नहीं होना चाहिए? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो डिसीजन ले रहा है तो शायद शायद वो डेमोक्रेटिक ना हो. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल 2003 में यूनाइटेड नेशन ने अटैक कर दिया इराक पे, राइट? अब इराक पे जो अटैक किया था उसके लिए ना तो उसने यूनाइटेड नेशन की परमिशन ली और ना ही किसी अदर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो है इन्फॉर्म किया, लेकिन फिर भी यूनिलेटरली कर लिया. और यूनाइटेड नेशन के जो उस टाइम क्या थे, जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अन्नान, उन्होंने भी इसको जो है क्रिटिसाइज किया था, लेकिन उसके बावजूद क्या यूनाइटेड नेशन में यूएसए के पास इतनी पावर हो गई कि वो सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल हो गया और यूनाइटेड नेशन के जो इन्फॉर्म या इंस्ट्रक्शन है उनको भी मानने से मना कर सकता है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि decisions are taken by the United Nations sometimes are seen as undemocratic decisions, right? आप चलते हैं आगे World Bank की तरफ. World Bank का जो main function है providing loan to the countries, लेकिन कौन सी country को कितना loan मिलता है और क्या voting का power जो है सभी countries के पास बराबर है? दोनों ही organization के 189 members हैं, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे 189 में से तो कुछ members हैं, जैसे कि हम जिनका नाम ले सकते हैं, जैसे मान लो जापान है, जापान के साथ में यूएस हो गया, जर्मनी, फ्रांस, यूके, चाइना, इटली, सऊदी अरेबिया, कनाडा एंड रसिया. इस तरह की जो कंट्रीज हैं, मात्र 10 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास मोर देन 50% जो है वोटिंग राइट है. बाकी 179 कंट्रीज के पास 50% लेस देन 50% वोटिंग राइट है और इनके पास 10 ही कंट्रीज के पास 50 प्लस जो है परसेंट वोटिंग राइट है. तो ऐसा क्यों है? Because of the more contribution, more weighing of votes. तो इस तरह से इनके पास जो कंट्रीज ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं IMF में और वर्ल्ड बैंक में, तो उनके पास ज़्यादा राइट होता है और जो कम कर पाती हैं उनके पास कम राइट होता है. तो ये तो फेयर नहीं है. सो डिसीजन आर मीन्स कॉल्ड अनडेमोक्रेटिक. अब इसी तरह से आप IMF का हमने ले लिया, वर्ल्ड बैंक का अगर आप लेंगे तो वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक हमेशा कौन होता है? द सिटीजन ऑफ द यूएस, द सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये जो है वर्ल्ड बैंक का जो है प्रेसिडेंट होता है. ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ यूएसए के ही सिटीजन को वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनने का राइट है? राइट, नॉमिनेटेड बाय द और वी कैन से दैट द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अदर कंट्रीज सिटीजन, राइट? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड इन तीनों ही
ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा लगता है कि कुछ ही कंट्रीज हैं जिनके पास राइट्स हैं या डिसीजंस को अफेक्ट करने की पावर है, समझ गए? तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दीज डिसीजंस कैन बी कंसिडर्ड समटाइम्स अनडेमोक्रेटिक। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज डेमोक्रेसी प्रमोशन, कि किस तरह से डेमोक्रेसी को बढ़ाया जाए। और इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे इराक का, विल टेक वन एग्जाम्पल ऑफ इराक, जहां पे डेमोक्रेसी को प्रमोट किया गया। तो जिस तरीके से इराक में डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की कोशिश की गई, क्या वो तरीका सही है या गलत है? तो किस प्रकार से हमें डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहिए, इन दिस टॉपिक विल डिस्कस। इराक जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल में था, 1932 में इराक जो है फ्री हुआ ब्रिटिश कंट्रोल से। फ्री होने के बाद में यहाँ पे 1968 तक जो है वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट रही। 1968 में इस्लामिक लॉज को हटा के और यहाँ पे अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी ये जो है रूलिंग में आ गई। द अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी ये रूलिंग में आ गई और इसका लीडर था सद्दाम हुसैन। ये 1979 में अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी का तो लीडर था ये हुसैन सद्दाम हुसैन, लेकिन 1979 में ये इराक का प्रेसिडेंट बन गया, राइट? मींस डिक्टेटोरियल प्रेसिडेंट बन गया। हालांकि इस पार्टी के आने के बाद में वुमेन को राइट टू वोट मिला और ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉज को जो है खत्म कर दिया गया, उनको रिमूव कर दिया गया और कुछ डेमोक्रेटिक जो तरीके थे वो अपनाए गए। लेकिन इसके बावजूद इसने क्या किया सद्दाम हुसैन ने, ये एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट चलाते थे, ही वॉज अ डिक्टेटर, राइट? डिक्टेटर, और इस तरह से उन्होंने डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट चलाई 1979 के बाद। तो यहां पे अमेरिका ने अचानक इस पे ब्लेम लगाया, हालांकि रियल जो कोज था वो शायद कुछ और था कि वो यहाँ पे ये पार्टी जो है कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, सोशलिस्ट पार्टी है। दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन वो नहीं कर रहे थे जो यूएसए चाहता था। तीसरी बात थी यूएसए जो इराक के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज थे उन पे कंट्रोल करना चाहता था। कोई भी रियलिटी हो सकती है, लेकिन ब्लेम ये लगाया गया कि सद्दाम हुसैन इराक के अंदर जो ह्यूमन बीइंग को डिस्ट्रॉय करने वाले जो वेपन्स हैं वो बना रहे हैं और उनको बनाने के लिए वो वहाँ पे सेंटर्स को अलाउ कर रहे हैं और वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की परमिशन के बिना यूएसए ने वहाँ पे अटैक कर दिया इराक पे और उनको पहले तो जो है एक तरह से अल्टीमेटम दिया गया सद्दाम हुसैन को। जब उन्होंने ऐसा नहीं माना तो फिर उन पे अटैक कर दिया गया 2003 में। और ये भी एक था कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहते हैं। Finally, 2003 में सद्दाम हुसैन was arrested and after that he was hanged, means through the trial. लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ पे क्या United States of America democracy ला पाया इराक में, right? कि जिस तरह से उन्होंने under the military control जो election करवाए और उसके बाद में सद्दाम हुसैन के मरने के बाद में जिस तरह की गवर्नमेंट उन्होंने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो क्या वास्तव में वो डेमोक्रेसी थी? और क्या ये तरीका सही होता है कि किसी दूसरी कंट्री पे अटैक करके डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की जाती है? अगर किसी कंट्री में अनडेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे अटैक करके वहाँ ये कहे कि हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, सो इज दिस वे करेक्ट और रॉन्ग, राइट? तो इसलिए ये तरीका सही नहीं माना जा सकता। तो इन्वेजन ऑन टू अनदर कंट्री दैट इज नॉट गुड वे एंड दैट इज नॉट फेयर वे टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन दैट कंट्री। दूसरी बात ये भी है कि एक लिमिट तक ही आप किसी दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में आप जो है क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर या इंटरवीन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड द डेमोक्रेसी प्रमोशन की व्हाट इज द प्रॉपर वे टू प्रमोट डेमोक्रेसी। वो तरीका जो इंडिया ने नेपाल में डेमोक्रेसी लाने के लिए किया टू सपोर्ट द डेमोक्रेट्स इन नेपाल, वो तरीका जो इंटरनेशनल लेवल पे हम डेमोक्रेसी को फेवर करके कर रहे हैं, या जो यूएस ने इराक में किया वो तरीका, तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दैट विच इज द बेटर वे टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन डिफरेंट कंट्रीज। सो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड डेमोक्रेसी प्रमोशन एंड देयर डिसीजन।